ये है मिट्टी और ये कपड़ा, इससे लीपते हैं घर। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, अभी सुबह के 10:30 बज गए हैं, नाश्ता वगैरह हो गया है और देखो आज धूप अच्छी आ रही है, बट कहीं कहीं पे बहुत सारे बादल हैं तो कंटिन्यू नहीं रहने वाली है धूप आज। ऊपर पहाड़ पे बर्फ गिर गया है, यहाँ तो नहीं गिरा, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। तो कल तो भैंस गाय सब अंदर थे, आज बाहर निकाल दिए हैं धूप में। वंशु, वंशु देखो क्या कर रहा है, वंशु जला रहा है आग, आग जला रहा है, क्या कर रहा फिर? हाँ, ये देखो पहाड़ी गीजर, इसमें हो रहा है पानी गर्म, ये ढक्कन भी रखा हुआ है इसमें। डॉगी, हाँ डॉगी, मोंटी भी आ गया हमारा, है ना मोंटी? दांत काट रहा, दांत नहीं काट रहा, उसके नाक में ना जोंक जा रखी, ये नाक जोंक चली रे। ये लकड़ी जला रहा फिर बुझा रहा, लकड़ी जला रहा फिर बुझा रहा। देखो गाइस, वो रही बर्फ वहां पे और इस एरिया में भी गिरी है, बट यहाँ पे अभी बादल लगे हैं इसलिए दिख नहीं रही है, तो वहां पे काफी बर्फ गिरी हुई है। और ये रहा सरसों का खेत, पीला पीला हो रखा पूरा खेत। देखो गाइस, माँ ने ना पूरा घर लीप लिया है मिट्टी से, देखो कितना साफ हो गया है घर, पूरी दीवार भी मिट्टी से कर दी है साफ, चूल्हा भी हमारा साफ हो गया, चूल्हा यहाँ मिल ली पड़ी। चलो माँ लीप रही है, देखो माँ ये है मिट्टी और ये कपड़ा, इससे लीपते हैं घर, साफ सफाई। झाड़ मनु तो छिन जाए, हाँ नान तुम क्या मानसी के दिन नो क्या हिमानी अरे भूला नहीं ये नो क्या अंशु अंशुल अंशुल हेलो कर हेलो हेलो कर हेलो कर ना कर वीडियो बनो मत तेरे हेलो कर हेलो कर नहीं कौन किले ते पापा का रोन ते पापा का रोन हाँ दियोस अच्छा कब आते ते पापा यहीं गौर गौर कब आते हैं परसी अच्छा बात खेलते हैं बात खाई क्या खाई बात खाई अच्छा तू कजामर हो स्कूल में कजामर हो आंगनबाड़ी में अच्छा तू कजामर छे मनु दी बाप रे ते दीदी बारह में कपेले यूं दिगड़ नहीं ना क्या तेना नीलम दिगड़। देखो वंशु को भूख लग गई, वंशु जा रहा है बिस्किट लेने, बिस्किट लेने जा रहे ना आप, ठीक है क्या लाएगा? चॉकलेट चॉकलेट नहीं बिस्किट, बिस्किट चल। कहाँ है दुकान? यहाँ है पक्का? या पता है तुझे? चलो ओए गिरी, हाँ यहाँ गाय भी है भाई, देखो कितनी सारी गाय है, 3-4 गाय है ना, नहीं मारती नहीं। इधर है, इधर है ताऊ, ताऊ जी, ताऊ जी को बुलाएंगे पहले, बोलो ताऊ जी दुकान खोलो बिस्किट चाहिए, इधर आ इस तरफ आ इधर, चलो बोलो ताऊ जी बिस्किट दे दो मुझे, बोलो नहीं बोल भाई, बोलेगा तभी मिलेगा नहीं तो नहीं मिलता। भाई साहब भोजन हो गया, बात खा लो नहीं, चल ला जा जा अंदर जा घूम के जा। चल जा, कौन सा वाला बिस्किट चाहिए बताओ, क्रीम वाला जा। ये दुकान है देखो भाई, बंशु की, बंशु ने दुकान भी देख ली, वंशु ने तो दुकान में ढूंढ ली, कितनी बार आ गया वंशु दुकान में, ये देखो वंशु को दुकान से
बिस्किट भी मिल गया। आजा चल, यहीं पे खाएगा या घर पे? घर पे, घर पे? चल नहीं बात, चलो यहाँ से हाथ पकड़, चलो। अंशु, अंशु आ बिस्किट खोल, ओ ये बस तू भी खा बिस्किट, ओ ओ चल हाँ यहाँ पे बैठ के खा ले, ठीक है? क्या पत्थर चला गया पैर में? चल निकाल दे, किस वाले में? इस वाले में? थोड़ा सा था, चलता हो गया साहब। मोंटी तू भी खान बिस्किट, अंशु ले। चल भाई नाम बता, क्या तू नाम बताओ, भोली की क्या तू नयन, तू ना क्या नैतिक नयन कथा मरो तीन मन गाड़ी तीन मरो तू कथा मरो एक माँ कौत स्कूल क्यों मैं आंगनबाड़ी माँ अच्छा स्कूल में रहन है तू दो में क्या चल नाम बता नाम क्या था चल तू भी बता भाई पता तू भी बता भाई अपना नाम मुझे नहीं पता है मुझे नहीं पता नाम भैया मैं अनु चाची बारी में छवि कान नहा गई सच में तूने कैसे करी भाई इतनी हिम्मत मेरे बस का तो नहीं ना नहाना हिम्मत ही नहीं हो रही नहाने की बच्चे बच्चे भी नहा रहे नहाओगे तुम नहीं नहाएगा क्यों वंशु नहाएगा नहाएगा यहाँ कोई नहाने का तैयार नहीं है भाई जब से गांव आए तब से नहाए नहीं भाई हम मैं भी नहीं नहाया वंशु भी नहीं नहाया श्रियांश भी नहीं नहाया सानू भी नहीं नहाई थी बट सानू तो नहा गई भाई आज जैसे तैसे करके हिम्मत कर दी उसने नहाने की मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही यहाँ इतनी ठंड हो रही ना बच्चों का बैडमिंटन ये देखो क्रिकेट जैसे खेल रहे बैडमिंटन ये ले ओ भयंकर ओ क्या दिखाना क्या दिखाना कुकड़ को यार कुकड़ को तो सो रखे इस टाइम सो रखे यार वो सो गाइस अभी दिन के ठीक 12 बज रहे हैं और अब जाके मौसम थोड़ा खुल गया है और अब दिखाता हूँ मैं सामने जो तुंगनाथ मंदिर है ना उसकी जो चोटी है जो उसका पहाड़ है वो दिखाता हूँ मैं आपको बहुत ही सुंदर लग रहा है और पूरे बर्फ से ढक गया है ये देखिए गाइस ये वाला पहाड़ है ना जो ये है तुंगनाथ मंदिर का पहाड़ इस टाइम देखो कितनी अच्छी बर्फ गिरी है यहाँ पे और बहुत सुंदर नज़ारा आ रहा है इस टाइम ये देखिए आसमान में देखो बादल हल्के हल्के लग गए हैं बाकी काफ़ी मौसम छट गया है इस टाइम काफ़ी साफ हो गया है और ये देखिए गाइस केले के पेड़ बहुत सारे केले के पेड़ लगे हैं यहाँ पे और केले भी आ रखे हैं मैं देखो यहाँ पे देखो कितना अच्छा केले का पेड़ हुआ रखा है झुंड यहाँ पे भी केला लगा हुआ है ऊपर ना एक स्कूल है यहाँ पे स्कूल है एक इस पेड़ के नीचे एक स्कूल है तो ये स्कूल मेरे 8वीं तक का स्कूल है 8वीं तक मैंने इसी स्कूल में पढ़ा है देखो पंचु आ गया हेलो पंची आ गया किसके साथ आया दीदी के साथ देखो केले का पेड़ देखा आपने केले का पेड़ तोड़ने नहीं तोड़ने नहीं है कच्चे हैं वो कच्चे हैं यार वो देखो बहुत कच्चे हैं पंचु कैसा लग रहा गांव में अच्छा लग रहा है तो आप गांव में ही रहना आप ठीक है पापा जाएंगे विकास नगर और आप गांव में ही रहो ठीक है ओए गुस्सा आ गया वंशु को चलो उतरो जंप ओ माय गॉड कितना बड़ा जंप मारा तो गाइस ये मेरे ताऊ जी के बड़े लड़के का घर है जो मैंने परसों की वीडियो में दिखाया था तो उन्होंने यहाँ पे बना रखा है ये वाला घर और हमारा घर तो वो सामने है ये वाला चलो चलो चलो
देखो कितना सुंदर नजारा आ रहा है ना गांव का। तो गाइस देखो हमारा चूल्हा कितना साफ कर दिया है माँ ने, पूरा लीप लाप के क्लियर, अब सूख गया है। और देखो शानू बना रही है दिन का खाना। क्या बना रही शानू आज? झोली भात। झोली भात, आज झोली भात बनेगा। चूल्हे में नहीं बना रही ना आज? चूल्हा अभी गीला है ना हमारा, तो इसलिए हम चूल्हा नहीं जलाएंगे इस टाइम, अब सीधे रात को ही जलाएंगे या शाम को। अभी बनाएंगे हम अपने गैस में। तो ये है हमारा गैस, इसमें बनेगा झोली भात। देखो आज सारा पानी पहाड़ी गीजर में गर्म हो रहा हमारा, नहाने धोने का पूरा है ना वंशु, ये पहाड़ी गीजर है ठीक है। हाँ वंशु भीग मत, भीग मत, मुख धोन गई, मुख धोन बैठी नैन छो मैं भी उसी पानी को पी रहा, उसी से मुंह धो रहा, छी गंदा, कुल्ला करो बाहर फेंको उस पानी को। हाँ देख दीदी ना, नीलम दीदी ना खटाई बना रही, देखो ये बहुत सारे संतरे हैं, संतरे का साइज छोटा हो गया है आजकल, ये देखो कितना छोटा संतरा है, ये तो फिर भी ठीक है ये वाला साइज। और ये देखो नींबू, तो ये तीनों मिला के इसमें डालेंगे नमक मिर्च मसाला और साथ में डालेंगे गुड़ और बन जाएगी मजेदार खटाई। वंशु खटाई खाओगे? खटाई खाओगे आप? अच्छी लगती है, नयन भी खाएगा खटाई? खटाई खाते अच्छा नहीं खा खानी, आ जाओ भाई सबको खटाई मिलेगी ना, तू भी खाएगा श्रियांश खटाई? पहले खा रहा हूँ। तो चलो भाई मेरा पानी भी गर्म हो गया, मैं भी नहा लेता हूँ यार अब। सो गाइस फाइनली मैं भी नहा ही गया आखिरकार, यहाँ पे नहाना बड़ा बहुत मुश्किल काम होता है भाई नहाना। ये स्वेटर मेरी गांव में ही थी पहले, छोड़ रखी थी मैंने, ग्रीन कलर की स्वेटर है। सो गाइस अभी दिन के 3 बजने वाले हैं और अभी खाना खाया, झोली और भात खाया आज मस्त वाला। शानू देखो अभी बर्तन धो रही है, शानू मजा आ रहा बर्तन धोने में, शानू पहचानी भी नहीं जा रही हूँ टोपा टापा पहन के, बहुत ठंडा हो रहा है यार यहाँ। और फिर से धूप छुप गई है, बस ये देखो पर लास्ट में धूप छुप गई, अब मुश्किल है धूप आएगी, टाइम भी हो ही चुका है। एक मैच खेली कुछ जीत, मैं जीती कतरन बनाई कपिल तीन, कतरन बनाई जीते आता वो, रन नहीं बनाई तीन, रन नहीं बनाई अच्छा। पापा के पाँच आ जा, चल आ जा, गिरना मत, चल दादी के पास बैठ जा, दादी के पास बैठ। देख मोंटी धूप सेक रहा आराम से, मोंटी 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 धूप सेक रहा, धूपी धूपी सेक रहा, जो दादी पा जा, दादी जो दादी चल भाई हो गया टाइम, जाओ भाई भीतर जाओ, च
चलो भाई बच्चों के साथ थोड़ा बैडमिंटन हो जाए। चलो यस चले यार कमाल है यार महेंद्र सिंह को। आराम से जा रहे हैं देख ना, आराम से उई चल लेके आओ ऊपर ले जा रहे हैं। सो गाइस अभी 4:50 हो रहा है और अभी है धूप, देखो कहाँ पहुंच गई है। इस जगह से ऊपर धूप है, इस जगह से नीचे छांव है, तो बस धूप डूबने वाली है यहाँ से। अब बच्चे सब खेलने में मस्त हैं इस टाइम। सो गाइज अभी 5:03 हो रहे हैं शाम के और रात के खाने की तैयारी चल रही है। शानू सब्जी काट रही है, इतनी अच्छी लग रही है, खुद बोल रही है खुद ही तारीफ कर रही है अपनी। देखो गाइज सब्जी बन रही है आज, ये वाले शिमले की, इसको बोलते हैं हम पतला शिमला, चौड़े पत्ते वाले शिमले। अभी तोड़े हमने एक पेड़ से और अभी इसकी ताजी ताजी सब्जी बनेगी। आलू भी डलेगा इसमें और इसकी बनेगी आज फर्स्ट क्लास सब्जी। सो गाइस अभी शाम के 5:30 और अभी हम चूल्हे में आग जलाने वाले हैं, तो आज आपको दिखाते हैं कि चूल्हे में आग कैसे जलाते हैं। तो चलो भाई आग जलाने का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले लगाएंगे लकड़ी ऐसे, वंशु भी आ गया आग जलाने। हाँ ये है चूल्हा, चूल्हा को जलाएंगे पहले। चूल्हा होता है चीड़ की लकड़ी का एक हिस्सा, बहुत तेजी से जलता है ये देखो, और ये जल जाता है ऐसे, और ये साथ में फिर दूसरी लकड़ी को भी जला देता है, तो ये छोटे छोटे करने पड़ते हैं टुकड़े। तो देखो ऐसे जलती है आग, कैसे जलती है ये सारी बांस की लकड़ियां हैं, देखो सारी बांस की लकड़ियां हैं, ऐसे जलाएंगे सर्दियों के लिए। बहुत नीचे रखो, नीचे अच्छी लकड़ी है ये। बैच हो गया मंचू, हो गया, छोड़ दो। देखो कितनी जल्दी आग जल गई हमारी, छोड़ दो। सो गाइस रात के 8:40 हो रहे हैं अभी और डिनर वगैरह सब हो गया है, तो अभी ब्लॉग एंड कर लेता हूँ यहीं पे। आज मैंने बहुत कुछ दिखाया आपको, आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आता तो लाइक कीजिए, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं गाइस जल्दी से न्यू ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Bye-bye.